वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन का मामला यहां पर देखने को मिला। अब कहा जा रहा है कि दो ईसाई युवक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति अपशब्दों का भी प्रयोग किया। एक युवक दिल्ली का रहने वाला है तो दूसरा क्षेत्र के ही रझेड़ा का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और युवक के परिजनों का कहना है कि हम धर्म नहीं मन परिवर्तन करवाते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं जो कि गलत नहीं है। मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चल पाएगा। इन लोगों ने अपना आप ही बनाया है, मीटिंग करी है इन्होंने कि आएंगे इस हफ्ते और इनको पकड़वाएंगे। इन्होंने बैर बांध रखा है इन्होंने और मीटिंग में आए और अपने आप ही बना रहे हैं, जो कुछ भी हुआ सब अपने आप ही बना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है कि जिसके जीवन में वो आ गया उसके जीवन का उद्धार कर देता है। मैं अपनी बताऊं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। 15 साल पहले मेरे दिमाग में कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के भक्तों ने प्रेयर किया और मुझे आज जीवन मिल गया। अगर कोई भी कहे कि 1 करोड़ रुपए ले ले, दोबारा से मूर्ति की पूजा कर नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह का मैंने नाम लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई मुझे जान से मार दे मैं मर जाऊँगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ही नाम लूँगा।